नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, ध्वनि। ठीक है बच्चों, आप लोगों को आंसर शीट और पैराग्राफ वगैरह आपके सब दिए हुए हैं। ठीक है, आपको सिर्फ सप्रसंग व्याख्या जो आपकी आती है उसमें आपको पैराग्राफ को कैसे टैकल करना है, कैसे उसको पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर निकालना है, यही चीज आपको समझनी है। ठीक है, फर्स्ट आपका ध्वनि जो चैप्टर है उसमें सप्रसंग व्याख्या आपको करनी आनी चाहिए। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी भी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंदित कलियों पर, निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनुहार। ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए, पहले बच्चों उसको समझ लेते हैं। वन, वन मतलब वन या जंगल। ठीक है, मृदुल कोमल, अंत समाप्ति, पात पत्ते, कोमल मुलायम, गात शरीर, कर हाथ, निंद्रित नींद में या सोई हुई, प्रत्यक्ष प्रातःकाल, मनोहर सुंदर या मन को मोहने वाली। ठीक है, फर्स्ट आपका संदर्भ। संदर्भ में बच्चों अपन क्या लिखते हैं, संदर्भ या प्रसंग अपन लिखते हैं कि कौन सा लेसन है, कौन सी बुक से लिया गया है, कौन से राइटर का है। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या जब आपके आती है तो आपको प्रसंग लिखना होता है, उसके ऊपर लिखा होता है सप्रसंग व्याख्या, मतलब आपको जो पैराग्राफ का क्या लिखना होगा, प्रसंग लिखना होगा। ठीक है, प्रसंग आपका क्या है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत। वसंत आपका क्या है, बुक का नाम है। मैं संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि नामक, ध्वनि क्या आपका लेसन का नाम है, ध्वनि नामक कविता से ली गई। ठीक है, प्रसंग क्या है आपका, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने काव्य जीवन के अंत समझने वाले आलोचकों को बड़ा कड़ा जवाब देते हुए देश की युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया है। ठीक है, जब लोग ये मानते हैं कि जो निराला जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला उनका उपनाम है, तो जब लोगों ने माना कि अब तो उनका काव्य जीवन समाप्त हो गया, मतलब उन्होंने अब वृद्ध हो गए, अब उनको लिखना नहीं आएगा, अब वो बूढ़े हो गए, तो उनको क्या किया है, उनके लिए लोगों ने जब उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी, तब उनको आलोचकों को जवाब देने के लिए निराला जी ने ये पोयम लिखी। और इस पोयम के अंदर, इस कविता के अंदर वो किसका आह्वान कर रहे हैं, देश की जो युवा पीढ़ी है उसको जगाने का आह्वान कर रहे हैं। ठीक है, कवि आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को ये जो ये मानते हैं कवि कवित्व आप प्रभावशाली नहीं रहा है। ठीक है, कवि जो कवित्व है, कवित्व मतलब उसके जो कविता करने की शक्ति है, उसकी जो क्षमता है, उसको उसका लोग जो आलोचना कर रहे हैं, तो उन आलोचकों को ये कहता है कि अब जो लोग मानते हैं कि अब उसमें कवित्व नहीं रहा, प्रभावशाली नहीं रहा, मतलब उनकी जो कविता है उनमें प्रभाव नहीं रहा कि वो लोगों में जागृति ला सके, उनको कवि जो है अपने जीवन में अब समाप्त होने वाला है, तो उनको प्रत्युत्तर दे रहे हैं। प्रत्युत्तर देना मतलब उनका जवाब दे रहा है कि उनके जीवन रूपी उपन में अभी भावनाओं और कल्पनाओं रूपी वसंत का आगमन हुआ है। ठीक है, वसंत ऋतु आती है, आपको पता है ना कैसा होता है कि जब वसंत ऋतु का आगमन होता है उससे पहले जो पेड़ पौधे होते हैं वो उनकी जो पत्तियां होती है सारी झड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और जो मौसम होता है उसमें चारों तरफ कहीं भी जो सुंदरता होती है वो नहीं होती। ठीक है, पेड़ के ऊपर पत्तियां नहीं होती है, और जब वसंत ऋतु आती है तो नई नई कोपले उन पे प्रारंभ हो जाती, खिलनी चालू हो जाती। ठीक है, जो कवि की आलोचना कर रहे हैं उनको प्रत्युत्तर देते हुए निराला जी कहते हैं कि उनके जीवन में अभी क्या है, उपवन की, उपवन मतलब किसको कहा है, जीवन को कहा है। उपवन यह किसके लिए है, उनका जीवन रूपी उपवन, जीवन रूपी उपवन मतलब उनका जो जीवन है उसको कैसा माना है, उपवन के समान माना है। अभी भावनाओं और कल्पना रूपी वसंत का आगमन हुआ है, मतलब उनकी जो भावनाएं हैं और कल्पनाएं हैं, उनका आगमन किस रूप में हुआ है, वसंत ऋतु के रूप में हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार प्रकृति में वसंत का आगमन कैसा होता है, प्रकृति में वातावरण संगीतमय होता है। ठीक है, जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय होता है, चारों ओर मनमोहक और परिवर्तित प्रकृति दिखी जाती है, ठीक उसी तरह प्रकार मन में आशा और उमंग का संचार हुआ है, किसके, कवि के। ठीक है, जो उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट
होगा जिसका अंत अभी ना संभव नहीं है। ठीक है, जो कवि का ऐसा मानते हैं कि जो कवि में जो कवित्व है, कविता की भावना है, वो इतनी प्रभावशाली नहीं रही है कि वो लोगों को जागृत कर सके, उजागर कर सके। तो कवि निराला जी कहते हैं कि अभी तो उनके जीवन रूपी उपवन में किसका आगमन हुआ है, बसंत का आगमन हुआ है, मतलब नई नई भावनाओं और कल्पनाओं रूपी बसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार बसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीत में हो जाता है, आपने देखा ना जब बसंत आता है सर्दी के बाद तो कैसे मतलब प्रकृति फिर से खिल उठती है, चारों ओर का जब वातावरण है मनमोहक हो जाता है, परिवर्तित प्रकृति दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार उसके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है। जो उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होगा। ठीक है, अब कवि क्या कहता है कि उनकी कविताओं के माध्यम से आशा और उमंग के नए वसंत का जो संचार हुआ है वो उनकी कविताओं के माध्यम से अब प्रकट होगा जिसका अंत कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, साथ ही कवि आलस और निद्रा में खोए हुए अपने पथ भटके हुए युवाओं को भी प्रेरित करेगा। ठीक है, कवि ने यहाँ ऊपर कहा है ना जिसे निराला जी ने, मैं ही अपने स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। ठीक है, जो युवा पीढ़ी है वो किसमें आलस और निंदा में खोई हुई है, ठीक है, भटक रही है, उनको प्रेरित करने के लिए मैं प्रेरित करूंगा जैसे वसंत में प्रत्येक पत्ता हर डालियां कोमल कलियां आदि खिली होती है और वसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों में जगाकर नए सवेरे का आरंभ करता है, उसी प्रकार कवि जिस प्रकार आपको पता है ना जो बसंत ऋतु आती है तो नई नई कोपले नए नए हरे हरे पत्ते आ जाते हैं और उन कलियों में वसंत उन कलियों में अपने जैसे मधुर और कोमल हाथों से जगा रहा हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे बसंत ऋतु जो ऋतुराज जिसको कहा जाता है वो क्या करता है कि उनसे उसको जागृत करता है, क्योंकि सवेरे जैसे क्या कर रहा हो उन कलियों को उठा रहा हो। उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता से नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में क्या कर रहा है, उत्साह का संचार। उत्साह का संचार करना मतलब एक नई क्रांति एक नई ज्वाला का संचार कर रहा है। ठीक है, उन्हें आलस्य से जगाकर सही मार्ग पर लाकर एक नई दिशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा। ठीक है, जो युवाओं को क्या कर रहा है सही मार्ग पर लाकर एक आशा और से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा और उनको सुपथ की ओर अग्रसर करेगा। ठीक है, जो कवि है निराला जी है वो क्या कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने बसंत को देखा होगा, बसंत के आगमन पर जिस प्रकार प्रकृति मनमोहक हो जाती है, चारों तरफ क्या होता है एक नई सी जो आशाएं उमंग के संचार होता है, नए तरह की क्रांति आ जाती है, नए तरह का माहौल हो जाता है और ऊर्जा फिर आ जाती है सभी लोगों में। उसी प्रकार जो प्रकृति है उसमें वो खिल उठती है, उसी प्रकार जो युवाओं में नई क्रांति का संचार, उत्साह का संचार, आलस्य को भगाने के लिए कवि क्या करना चाहता है, नई आशाओं से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करना चाहता है। ठीक है, ताकि वो सुपथ मतलब अच्छे पथ पर अग्रसर हो सके। ठीक है बच्चों, तो आपके पैराग्राफ का फर्स्ट का जो है आपका भावार्थ है, क्या है पैराग्राफ फर्स्ट का भावार्थ है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर प्रस्तुत कामेंट के माध्यम से कवि किन लोगों को करारा जवाब देना चाहता है और कवि ने ऐसा क्यों कहा कि अभी उसका अंत नहीं होगा। फर्स्ट का आंसर है आपका प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ऐसे लोगों को करारा जवाब देना चाहता है जो ये मानते कवि में कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा है, उसके कवि जीवन का अंत होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है आपका। सेकेंड, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि अभी उसका अंत नहीं होगा। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उसे कवि जीवन में अभी नई आशा और उत्साह का संचार हुआ है, उसे नए नए भावों और व्यक्त करने का अवसर मिला है, अब वह अपनी कविताओं को युवाओं के हृदय के आशा के उत्साह का संचार करेगा। वन और निंदित कलियां यहाँ किसका प्रतीक है, वन कवि के जीवन रूपी उपवन का तथा निंदित कलियां आलस्य में डूबे हुए नवयुवकों का प्रतीक है। कवि ने अपनी रचनाओं को किनको उत्साहित करने को कहा है, किनको उत्साहित कर रहा है, कवि अपनी रचनाओं द्वारा नई युवा पीढ़ी जो है अपनी उसको उत्साहित कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपका पैराग्राफ नंबर फर्स्ट जो है अपन ने पढ़ा है, आप लोग इसको कैसे करोगे, आप लोगों के पास तो बुक है, बुक के अंदर आपको आंसर शीट दे रखी, लेकिन बच्चों आपको पैराग्राफ का भावार्थ आप नहीं लिखो लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में उतारना है। ठीक है, लेसन के पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर आपको नहीं उतारना है, जब अपने मेन क्वेश्चन आंसर जो आएंगे लेसन के
पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर वो आपको क्या करने हैं, आपके होमवर्क कॉपी में उतारने हैं। ठीक है, तो बच्चे फर्स्ट जो आपके चैप्टर की फर्स्ट जो पोएम है वो अपन ने, फर्स्ट पैराग्राफ है वो अपन ने पढ़ाए, उसके 4 क्वेश्चन अपन ने रीड किए। सेकंड है आपका पुष्प पुष्प से तंद्राले लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन के अमृत सहर से सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा दूंगा फिर उनको, है मेरे यहाँ जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा। ठीक है, पुष्प फूल के लिए, तंद्रालस आलस्य नींद के लिए, लाल सा इच्छा, नव नवीन नया शौर्य प्रसन्नता के साथ, द्वार दरवाजा अनंत जिसका अंत ना हो ईश्वर। संदर्भ या प्रसंग आपको पसता है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से लिया गया है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि युवाओं के आलस्य को दूर करके उनमें नव चेतना के संचार की बात कही गई। ठीक है, प्रसंग आपका दोनों में बच्चों सिमिलर है। पावर कवि कहता है जैसे वसंत में बंद कलियां आलस खींचकर उन्हें खोल देती है, बसंत ऋतु आते ही क्या होता है जैसे ऐसा लगता है कि जो कलियां काफी लंबे समय से बंद थी उसका नया जीवन मिला है, उसी प्रकार से क्या होता है कि अपना और अपना अमृत रस डालकर नव संचार करूंगा। नव जीवन का क्या करना चाहता है कवि, संचार करना चाहता है किसमें, युवा पीढ़ी में। उसी प्रकार वह भी युवाओं के मन से आलस्य की भावना को दूर करके अपने जीवन को आशा और उत्साह से भर देना चाहता है। ठीक है, कवि क्या चाहता है कि मैं भी क्या करूं, युवाओं के जीवन से अपनी कविताओं के माध्यम से नए जीवन का संचार करूं, अपनी कविताओं द्वारा अनंत परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाएगा। उसे पूरा विश्वास है कि वह अभी बहुत समय तक रचनाओं का मार्गदर्शन करता रहेगा। ठीक है, मतलब कवि क्या कहना चाहता है कि मैं अभी जिस प्रकार से वसंत की कलियां जो होती है, वसंत ऋतु में जो पौधे की फूलों की कलियां होती है, तो वसंत ऋतु के आते ही वो जैसे अपना आलस्य छोड़कर खिल जाती है, जैसे उनमें किसने क्या किया प्रकृति में अमृत रस घोल दिया, उसी प्रकार जो कवि है वो कहता है कि मैं भी युवाओं के मन से आलस्य की भावना को दूर करके उनमें जीवन में आशा और उत्साह से भर देना चाहता हूँ, अपनी कविताओं द्वारा अनंत परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। और कवि को क्या पूरा विश्वास है कि वह अभी बहुत समय तक अपनी रचनाओं से युवाओं का मार्गदर्शन करता रहेगा। ठीक है, पुष्प पुष्प उदाहरण कवि ने किसके लिए दिया है, पुष्प का उदाहरण कवि ने अलसाए और भटके मार्ग से भटके हुए युवकों के लिए दिया है। कवि उन्हें क्या करना चाहता है, जगाकर उनमें आशा और उत्साह का संचार करना चाहता है। ठीक है, सेकंड है अपने नव जीवन का अमृत कवि किसे कहा है, अपने नव जीवन का अमृत कवि ने अपने कवित्व और कविता के ओजस्वी विषयों को कहा है जिसके माध्यम से वह युवाओं को प्रेरित करना चाहता है और उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करना चाहता है। द्वार दिखा दूंगा मैं कवि का क्या आशय, द्वार किसको दिखाना चाहता है, द्वार दिखाने से आशय कवि सुपथ से, ठीक है, जिस पर चलकर युवा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके, अपने जीवन को सार्थक बना सके। अभी न होगा मेरा अंत कवि का यह कथन अपनी किस विशेषता का परिचय देता है, इस कथन से ज्ञात होता है कि कवि में आत्मविश्वास और परोपकार की भावना है। ठीक है बच्चों, तो यह लेसन आपका कंप्लीट हो गया। आपको कैसे करना है, आपको सिर्फ जो पैराग्राफ और पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर है वो नोटबुक में नहीं करने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है वही अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है, कैसे करोगे वो आप मैं आपको बता देती हूँ, आपको कैसे करने हैं वो उनमें से भी आपको कैसे करने हैं। ठीक है, वो मैं आपको समझा देती हूँ नेक्स्ट क्लास में। जैसे कवि ने ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी ना होगा, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए कि अभी उसने अब जीवन में काफी उत्साह और ऊर्जा है, वह आत्मविश्वास से भरा है, वह युवा पीढ़ी के आलस्य को उबारना चाहता है। चूंकि कवि जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, अतः कवि वसंत की तरह युवाओं के मन से जीवन रूपी अमृत से खींच कर हरा भरा कर देना चाहता है। ठीक है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करना चाहता है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिला हुआ देखना चाहता है। विश्वास है कि वह कलियों का वसंत रूपी स्पर्श परा हाथ पैर का उन्हें पुष्पित कर देगा। दूसरे शब्दों में कवि उन्हें अपने जीवन काव्य रचना में युवकों को उज्जवल भविष्य के दरवाजा दिखा देने की बात कहा है।
कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटने के लिए उन पर बसंत जैसा कोमल स्पर्श भरा हाथ फेरना चाहता है और उन्हें खिलाकर वह उनमें आलस्य को दूर कर नए मनोहर प्रभात की संदेश देना चाहता है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर बच्चों आपको होमवर्क में करने हैं। ये आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। ठीक है, कविता से नेक्स्ट है आपका, कविता से आगे वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है ये आपको पता है। भारत में हर साल में 6 ऋतु आती है, इनमें सबका अपना अपना महत्व है। वसंत ऋतु एक निराली विचित्र है, इसमें सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है। इस ऋतु को प्रकृति के यौवन में होती है, पेड़ पौधे पर नए पत्ते आते हैं, स्वास्थ्य वर्धक होती है, चारों ओर खिले फूल होते हैं। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कर एक त्योहार के बारे में लिखिए। तो बच्चों आपको ये क्रिएटिव राइटिंग में करना है, ये तो आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं तीनों। उसके बाद ये जो पार्ट आप करोगे ना क्रिएटिव राइटिंग वाला, इसके अंदर आपको सिर्फ होली के ऊपर आपको जो निबंध है वो लिखना है। ठीक है, आपको निबंध जो है वो होली के ऊपर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूरा ये नहीं लिखना है, इसका आपका कोई रोल नहीं है, आपको सिर्फ निबंध लिखना है होली के ऊपर। ठीक है, अनुमान और कटना, कविता में निम्नलिखित पंक्तियों का पढ़कर बताइए किसमें किस ऋतु का वर्णन किया गया है। फूटे हैं आमों के भोर वर्णन, फूटे होली मची ठोर ठोर सभी बंधन छूटे, किसका है? वसंत ऋतु का वर्णन है। स्वप्न भरे कोमल हाथों में अलसाई कलिया फेरते कवि कलिया का प्रभात आने का संदेश देता है। उन्हें चाहता है खुशी में फूलों के पौधों के लंबे जीवन में हमें उन्हें पानी से सींचेंगे, समस्त में खाद डालेंगे, गुड़ाई करेंगे, ये आपको नहीं करने है। भाषा की बात, हरे हरे पुष्प एक शब्द की एक ही अर्थ की पुनरावृत्ति, कविता में हरे हरे पांच वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के विश्लेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पांच शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, ऐसे प्रयोग भी होता है। कर्ता है विशिष्य, कर्म क्रिया विशेषण, बहुवचन लंबी चौड़ी बातें, ये बच्चों आपको नहीं करना है। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक बार अपन फिर देख लेंगे। ये सिर्फ आपको शब्दकोश में से वसंत के रिलेटेड आपको दिया गया है कि उसको क्या कहते हैं। वसंत के रंग त्याग शौर्य का प्रतीक है, वसंत पंचमी माँ सरस्वती का जन्म वंशोत्सव वसंत यात्रा को कहा जाता है, वसंत महोत्सव होलिका उत्सव को कहा जाता है, वसंत घोषी कोकिल को कोयल को, वसंत सखा कामदेव को। ठीक है, तो बच्चों ये आपको सिर्फ पढ़ना है। मधुमय वसंत जीवन वन के कब आए थे तुम चुपकी, ये जयशंकर प्रसाद की है। चेत वसंत होए हमारी मोहे स्लोखे संसार उजारी पंचम बिरह पंचसर मोरे रकत रोहिन, ये सब बच्चों आपको नहीं करना, सिर्फ आपको वो तीनों क्वेश्चन के आंसर करने। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे।